सो हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है प्रणय और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले नए हैंडसेट के बारे में, जिसे आज लावा ने लॉन्च किया है इंडिया में, जिसका नाम है लावा ब्लेज एक्स। आज हम जानेंगे इस हैंडसेट के फीचर्स के बारे में, इसकी खासियत क्या है इस वीडियो में आज हम ये देखेंगे, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि ये हैंडसेट वास्तव में लेने लायक है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको जरूर से देखना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस चैनल में जो भी नए वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन फर्स्टली मिल सके। तो चलो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में, तो लावा ब्लेज एक्स आता है 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। तो और ये हैंडसेट 120 हर्ट्ज का पैनल को सपोर्ट करता है, और इस हैंडसेट में HDR10+ दिया हुआ है, और इस हैंडसेट की जो ब्राइटनेस है वो 800 नीट्स तक की है। तो डिस्प्ले डेफिनेटली इसके एक USP है, कर्व डिस्प्ले, तो ओके है, मैं बोलूंगा सब अच्छा है। तो चलो आगे चलते हैं हम प्रोसेसर के ऊपर। तो ये हैंडसेट आता है मीडियाटेक के ऑक्टा कोर डायमेंसिटी 6300 के साथ में, जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड वन है, और ये माली के G57 GPU को सपोर्ट करती है, ये भी ठीक है। तो नाउ आगे चलते हैं हम यहाँ पे रैम और रोम के ऊपर। ये हैंडसेट आता है 4 GB रैम, 6 GB रैम और 8 GB रैम के वेरियंट्स के साथ में, जो कि 128 GB स्टोरेज के साथ आते हैं। तो ये UFS 2.2 स्टोरेज है, तो डेफिनेटली ये भी ठीक है। नाउ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन के बारे में। ये हैंडसेट एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आता है, बट ये एंड्रॉयड 15 पे अपग्रेडेबल है। नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं हम डुअल सिम के बारे में। तो डुअल सिम विथ 5G सपोर्ट इसमें, 5G SA NSA सब चीज का सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। नाउ तो चलो आते हैं अब कैमरे के ऊपर। तो ये हैंडसेट आता है डुअल रियर सेटअप के साथ में। तो पहला सेंसर दिया हुआ है इसमें, वो है 64 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर दिया हुआ है, और सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का अनडिफाइंड सेंसर है। ना यहाँ पे बात करें तो फ्रंट में, फ्रंट इसमें आता है 16 मेगापिक्सल का सिंगल फ्रंट, तो ये भी सब ठीक है। ना यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। तो इस हैंडसेट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ना यहाँ पे बात कर लेते हैं हम बैटरी के बारे में। इसमें 5 mAh की बैटरी आती है, जो कि 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, तो वो भी ठीक है। नाउ यहाँ पे हम चलते हैं प्राइसिंग के ऊपर। तो इस हैंडसेट की जो स्टार्टिंग रेंज है वो है 14,000 रुपये, जो कि इफेक्टिव प्राइस है, और इसकी रियल रेंज है 15,000 रुपये। 14,000 रुपये आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से परचेस करने पर मिलेगी, तो ये भी अच्छी बात है। ना यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपने ओपिनियन के बारे में लास्ट में, कि ये हैंडसेट कैसा है। 14,000 रुपये या फिर 15,000 रुपये, कुछ भी पकड़ो, ये हैंडसेट इस रेट में बहुत ही अच्छी डील है। आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहा है इस रेट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी सारी चीजें भी इसमें अच्छी दी हुई है, तो आप डेफिनेटली इस हैंडसेट को ले सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू।